हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे चाट बनाने के लिए। तो चटपटा चाट किसे नहीं अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। और चाट को चटकारे लेकर खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो आज हम आपको बताएंगे आलू टमाटर चाट। घर के ही सामान से हम आज चाट बनाएंगे, बाहर का कोई भी सामान हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आइए चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में, देख लेते हैं इसकी सामग्री। चॉप्ड हरी धनिया ले लिया है, धनिया का पत्ती, और 3 से 4 हरी मिर्च को मैंने चॉप्ड कर लिया है, 4 टमाटर को चॉप्ड कर लिया है, 2 प्याज का को चॉप्ड किया है, और 1 कटोरी काबुली चना लिए हैं, उसको हमने उबाल लिया है। देखिए 4 आलू लिया है, उसको भी हमने उबाल लिया है। चलिए इसको बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। गर्म कर लेते हैं, हम इसे 5 मिनट तक गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो उसमें हम कस्तूरी मेथी डालकर उसे रोस्ट करेंगे। 10 सेकंड के लिए ही रोस्ट करेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो ज़्यादा रोस्ट करने से ये जल जाएगा। 10 सेकंड के बाद हम इसे निकाल लेते हैं। हम गैस को फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई या लो नहीं रखना। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल लेते हैं, ऑयल को 5 मिनट तक गर्म होने देते हैं। और जब ये गर्म हो जाएगा तो उसमें सबसे पहले चॉप किया हुआ हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा ही हरी मिर्च डालेंगे, बाकी का रहने देंगे, बाद में गार्निशिंग में उसे यूज़ करेंगे। जब हरी मिर्च थोड़ा भुना जाए तो उसमें हम कटा हुआ चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे, वो भी थोड़ा सा ही डालेंगे, बाकी का गार्निशिंग के लिए रहने देंगे। इसे तब तक भूनेंगे तब तक इसका कच्चापन निकाल ना जाए और ये थोड़ा सा सोनापन इसमें आ जाए। जब ये थोड़ा तला जाएगा तब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। याद रखिए इसमें यहाँ पे पूरा टमाटर हम डाल देंगे जितना हमने चॉप किया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा ही करेंगे ताकि टमाटर गल जाए। और नमक डालकर इसे इसके बाद हम इसे 5 मिनट तक यूं ही चलाते हुए भून लेंगे, हाँ, ताकि ये गल जाए। जब टमाटर गल जाए तो उसे मिक्स कर लेंगे चम्मच से दबाते हुए, और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब उसमें रोस्टेड कस्तूरी मेथी को मसल कर डाल लेंगे और इसे 1 मिनट तक फिर से भून लेंगे। और जब 1 मिनट हो जाए तो इसमें चॉप किया हुआ हरी धनिया डाल लेंगे, धनिया भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, बाकी का छोड़ देंगे, और इसे भी आधा मिनट के लिए भून लेंगे। जब ये भुना जाए तो इसमें हम उबले हुए आलू को मैश करके डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। और जब ये मिल जाएगा तो इसे 5 मिनट तक भूंजेंगे। जब 5 मिनट तक भूंजा जाएगा तो हम इसमें उबला हुआ चना को डाल देंगे, और उबला हुआ चना डालकर इसे मैश करते हुए चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे भी 2-3 मिनट के लिए भूंज लेंगे। जब ये अच्छी तरह से भूंजा जाएगा तो इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, तब इसमें हम 1 कटोरी पानी डाल लेंगे। आपको जितना गढ़ा या जितना पतला पसंद हो उसी के हिसाब से पानी डालें। डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। अब इसमें आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल लेते हैं। हल्दी पाउडर डालने से इसका कलर अच्छा आ जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। अब इसे रेगुलर 2-3 मिनट तक चलाते रहते हैं, चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं और एक बॉयल आने तक इसे उबलने देते हैं। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो इसे 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे। देखिए इसमें बॉयल आ चुका है और इसे हम चलाते हुए यूं ही 2-3 मिनट के लिए पका लेते हैं। देखिए मैं 2-3 मिनट हो गया है और ये अच्छे से उबलने लगा है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और अब हम 1 चम्मच की सहायता से इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और जब प्लेट में निकाल लेंगे उसके बाद करेंगे हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे चॉप्ड किया हुआ
प्याज और मिर्च, हरी मिर्च चॉप्ट किया हुआ जो हमने छोड़ दिया था, इसके ऊपर डालेंगे करीब 1 चम्मच से करीब दही, स्वाद अनुसार थोड़ा सफेद नमक, स्वाद अनुसार काला नमक, भुना हुआ जीरा का पाउडर देखिए 1/4 टीस्पून, और ये है चिली फ्लेक्स, इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला भी हम डाल लेंगे, चॉप किया हुआ धनिया डालेंगे, खट्टा के लिए डालेंगे इसमें नींबू, नींबू को निचोड़ कर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे नींबू का यूज़ किया है, आप चाहें तो इमली का पानी का भी यूज कर सकते हैं, जितना खट्टा आपको पसंद है उतना डालें, अपने हिसाब से डालें। हमारा होममेड आलू टमाटर चाट आपने देखा ये कितनी जल्दी बन गया है, और ये खाने में बहुत ही लजीज होता है, बहुत ही चटकारेदार होता है। आप इसे घर पे बनाइए, खाइए, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसा लगा। अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।